नमस्कार दोस्तों, गुरु चेला गेट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स कंडीशन को थोड़ी और समझेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स हम इफ एल्स कंडीशन में करेंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था किस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करके अपने कंडीशंस को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कैसे और प्रिटी बना सकते हैं। तो गाइस, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपको दिया है और आपको उसको आप सिंपल, सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए आप इफ एल्स कंडीशन, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोग्राम में आपका कंडीशंस इफ एल्स यूज होती हैं और फॉर लूप। तो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ हम एग्जांपल्स इफ एल्स कंडीशंस के ऊपर करेंगे और फॉर लूप समझेंगे कि फॉर लूप एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो गाइस, पिछले लेक्चर ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं, इफ देन कंडीशन, उसके नीचे देन सिंटेक्स, देन उसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो आप एलिफ का यूज़ करके आप जितने कंडीशंस डाल सकते हैं डालिए, और अगर आपके पास कोई कंडीशंस नहीं बची हैं तो देन आप एल्स डालिए। ठीक है, तो आज की लेक्चर ट्यूटोरियल में आप ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, तो पहले समझते हैं प्रोग्राम है क्या, क्या क्या रहा है, देन उसके बाद हम आगे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसने इसने दो इनपुट फंक्शंस का यूज़ किया है। सबसे पहले क्या रहा है, यूज़र नेम, ओके, इनपुट इंटरियर नेम, ओके। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, अपना नाम डालेगा, देन यूजर एज, यूजर की एज जो होगी वो इंटरियर एज, यूजर ने अपनी एज डाली, ओके। तो देखिए, अब यूजर जो अपना नाम डालेगा वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन यूजर एज, ठीक है, इसने पहले क्या करा, यहाँ पे अपनी एज डाली, एज जो है यहाँ पे सिर्फ इनपुट फंक्शन लगा तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगा, लेकिन नीचे टाइप कास्टिंग कर दिया यूजर एज को, उसको इंट बना दिया, ओके। तो कि मतलब ये है कि यूजर नेम तो आपका स्ट्रिंग में जाएगा और जो यूजर एज हो जाएगी वो आपका किस में हो जाएगा, इंटीजर में हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ओके। देखिए, अब कंडीशन से आपने लगाई कैसे, आप ये देखिए, कह रहा है इफ यूजर एज, कह रहा है अगर यूजर की एज, ओके, वो बड़ी है या फिर इक्वल है 10 के, ठीक है, कह रहा है कि अगर यूजर की एज, ठीक है, या तो 10 हो सकती, या तो 10 होगी, इक्वल्स टू 10 होगी, या फिर 10 से बड़ी होगी, एंड, ठीक है, कह रहा है यूजर नेम इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडेक्सिंग कर दी 0। देखिए मैंने आपको इंडेक्स, और देखिए मैंने गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का रोल आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडेक्सिंग करी, अगर आपको नहीं समझ आता आप हमारे लेक्चर ट्यूटोरियल को देखिए, ऊपर मैंने एक कोई ना कोई लेक्चर ट्यूटोरियल मैंने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, यूज़र नेम इंडेक्सिंग 0, मतलब 0 का मतलब होगा कि जो यूजर नेम उसने कुछ भी डाला, कुणाल डाला, अभिषेक डाला, शशांक डाला, तो देखिए कुणाल का, देखिए कुणाल अगर अगर वो डालता है अपना यूजर नेम शशांक, ठीक है, तो यूजर नेम इंडेक्सिंग 0, 0 का मतलब क्या होगा, यूजर नेम क्या है शशांक, और 0 पोजिशन में कौन सा एलिमेंट है एस, ठीक है, तो देखिए वही है, मतलब यहाँ पे हो गया एस, तो वही कह रहा है कोई भी नाम अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यूजर नेम इंडेक्सिंग 0 ए, तो कह रहा है कि या तो कोई भी नाम स्मॉल ए से होगा या फिर कैपिटल ए से होगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने चीज़ें, अब देख समझने चीज़ें हैं कि यहाँ पे इन्होंने एंड और यूज़ करेंगे। देखिए इसका मैं आपको मेन डिफरेंस बता दूँ कि जहाँ पे भी कंडीशन में आप एंड और यूज़ करेंगे, तो एंड का मतलब होता है, अगर देखिए कोई भी आपके पास, आप कोई दो कंडीशन लगा रहे हैं, इफ आपके पास दो कंडीशन लगा रहे हैं, तो अगर बीच में एंड है तो आपका प्रिंट जो फंक्शन कब काम करेगा, जब आपका एंड से पहले वाला और एंड के बाद वाला दोनों कंडीशंस आपकी अगर सेटिस्फाई होंगी तब जाके आपका प्रिंट काम करेगा, ओके। और क्या क्या, अगर आपको दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पे अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो देन आपका प्रिंट काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने यह एग्जाम्पल लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड है, ठीक है, कह रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन, कह रहा है अगर ये वाली कंडीशन, और देखिए ये पूरी कंडीशन, अच्छा मैं पूरी कंडीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इन्होंने पैरेंथेसिस के अंदर ही पूरी कंडीशन लिख रखी है, तो वही कह रहा है कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों के दोनों का सेटिस्फाई होंगी तो देन आएगा यू आर एलिजिबल टू सी कोको मूवी, ओके। अगर अब देखिए, अब इसके अंदर भी दो कंडीशन लग रखी है, एक और लगा के, तो और का मतलब है कि या अब इसके पैरेंथेसिस के अंदर या तो ये कंडीशन, ठीक है, सॉरी, या तो आपकी
या तो आपकी पूरी की पूरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या फिर आपकी ये, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है तो आपके ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा। लेकिन सिर्फ इनके सेटिस्फाई से नहीं, इनके सेटिस्फाई तो हो रही है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर प्रिंट क्या होगा, एल्स वाला प्रिंट होगा। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है और इन दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो तब भी ये करेगा कि अब इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होगी, ओके एंड, और ये भी सेटिस्फाई होगी, तब आपका प्रिंट फंक्शन काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए अब मैं करता हूँ, तो कह रहा है इंटर योर नेम। ठीक है, देखिए मैं नेम डालता हूँ ए से, ABISHEK, अभिषेक डाला। ठीक है, इंटर योर एज, अब मैं एज डालता हूँ लेस देन 10, मैंने 8 डाला। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू, देखिए यहाँ पे ए तो सेटिस्फाई हुआ ही, यहाँ पे ए तो सेटिस्फाई हुआ लेकिन ए सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, अब मैं डालता हूँ ए, कुछ भी डाला जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और कंट्री मैं डाली 12। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए भी सेटिस्फाई हुआ, दोनों मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई स्मॉल ए वाली, और एज भी सेटिस्फाई हुई, तब तब जाके ये हमारा प्रिंट हुआ। तो ये था हमारा, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपके सामने लाया कि किस, आप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे कि इंडेक्सिंग हमने कैसे यूज़ किया, स्लाइसिंग कैसे यूज़ करी, एंड और का कैसे था, और हमारा इनपुट फंक्शन में कैसे यूज था। तो अब देखिए ठीक है, और मैं आ जाता हूँ 56, तब भी नहीं हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ है, तो ये कंडीशन पूरी सेकंड वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई, और ये सेटिस्फाई है तो तब भी एल्स वाला प्रिंट हुआ। अब देखिए ये देखिए, या अब ये जो आपका प्रोग्राम है ये देखिए, इसमें डाला कस्टमर इक्वल्स टू इनपुट प्रिंट इंटर योर एज सर, ओके। तो यहाँ पे वही एज डालेंगे तो उसको हमने टाइप कास्टिंग कर दी इंटीजर में। अब देखिए ये कह रहा है इंटर योर एज, तो अब यहाँ पे ए देखिए, एज का मैं अभी ऊपर दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब देखिए ये भी उसी तरीके से, लेकिन करने का तरीका देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि अगर हमारा कस्टमर की एज 0 होगी या फिर 0 से 5 तक, मतलब 5 तक होनी चाहिए, 5 तक होगी तो इसके बीच में है तो आएगा चिल्ड्रन आर फ्री टू सी मूवी। अगर एक कस्टमर की एज 5 से 40 के बीच में होगी तो कॉस्ट ऑफ टिकट इज 150। ठीक है, अगर 40 से 60 के बीच में होगी तो कॉस्ट ऑफ टिकट इज 200। ठीक है, तो ये आ गए हमारे एडोलसेंस वाले और ये आ गए हमारे सीनियोरिटी वाले। ठीक है, एल्स उसके क्या है, देयर इज अ कंसेशन ऑफ 20%, अगर वो 60 से ऊपर होंगे तो 20% एक्चुअल कॉस्टिंग में से 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं 3 डालता हूँ तो देखिए आज चिल्ड्रंस आर फ्री टू सी मूवी, क्योंकि 3 इसके अंदर आ रहा है। 45 डालूं तो कॉस्ट ऑफ टिकट इज 200, क्योंकि देखिए 40 से ऊपर एलिफ में आ गया। ठीक है, अगर मैं बड़ा नंबर डालता हूँ तो देखिए क्या है, देर इज अ कंसेशन ऑफ 20% या टिकट। देखिए 457 में हुआ क्या, वो पहले यहाँ गया होगा। ठीक है, पहले देखिए पहले ये प्रिंट हुआ आपका, फिर उसने उसको टाइप कास्टिंग करी, देन यहाँ पे आया, यहाँ पे उसे कंडीशन फॉल्स मिली तो यहाँ पे भी फॉल्स मिली तो यहाँ पे आया एलिफ में, तो एलिफ में भी अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिल रही है देन वो क्या हुआ, एल्स क्या है कि अब जो है वही प्रिंट करा दो। तो ये था, ये है हमारे कुछ इफ एल्स कंडीशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से कि इफ एल्स कंडीशन का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस और एक चीज़ और मैंने जो कहा था कि फॉर लूप का, देखिए फॉर लूप का मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं। तो ये फॉर लूप का हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर लूप का बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जैसे आप लिस्ट दी हो, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ दिया हो, डिक्शनरी कुछ दिए, तो हम क्या करते हैं फॉर लूप के थ्रू उनके अंदर हम जा सकते हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू, आपको लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स दिए हैं, ओके ये कुछ नंबर्स आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 7 9 0, ओके। और अब आप इसके अंदर डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशन भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे तो वो आपका सिर्फ ए एक्सेस करेगा, ओके। अगर आप ये देखेंगे कि इफ ए, ठीक है, आप कहेंगे ए के अंदर तो सब कुछ है, अगर आप इफ ए मॉड्यूल टू डबल इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, अब कहते हैं कि यार ये तो इवन है, तो आप कहेंगे कि मैं प्रिंट कर दूं अपना इवन, ओके इवन मैं प्रिंट कर दूं, तो देखिए ये आपका क्या बताएगा, टाइप एरर बताएगा। क्यों क्यों बताएगा, देखिए लिस्ट और इंटीजर में आप मॉड्यूल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप अंदर आपने नंबरों के साथ एक्सेस किया ही नहीं है। अब वही अब यहाँ पे इस काम फॉर लूप
का यूज करते हैं ताकि हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं ताकि हम अंदर एलिमेंट्स के साथ एक्सेस कर लें। उसके बाद देखिए तो फॉर लूप का, तो देखिए पहले आपको फॉर लूप दिखा दूं कि काम कैसे करता है। इनफैक्ट तो देखिए जैसे मैं आप कहता हूँ फॉर आई इन ए, देखिए इससे क्या हुआ, फॉर आई इन ए से क्या हुआ, मतलब ए, देखिए इन ए, इन ए के मतलब कि वो ए के अंदर आ चुका है, फॉर के थ्रू वो इनके अंदर आ चुका, क्या आ चुका है, आई आ चुका है। तो अब मतलब जितने भी आपके 1 2 3 1 ये जो नंबर्स हैं ये सब आपके आई से डिनोट होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, सारे के सारे देखिए अब नंबर्स एक्सेस हो गए आपके। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स आपके एक्सेस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बता दूं करने का, अगर आप आई के साथ, अगर आपको कह रहे हैं कि यार ये नीचे बहुत लंबा हो गया, ऐसे नहीं, आपको जैसे जिस फॉर्म में नंबर्स प्रिंट करे गए हैं इसी फॉर्म में नीचे से आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एंड इक्वल्स टू कॉमा लगा के, ये देखिए अब सारे नंबर्स आपके देखिए बिल्कुल ऐसे प्रिंट हो चुके हैं कॉमा लगा के। ठीक है, तो आप कॉमा लगाएं या फिर आप यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ दें तो देखिए स्पेस आ गया, या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आप ये लगाएं तो देखिए वो नंबर आ गया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। मतलब ये तरीके जो मैंने बताया फॉर लूप, ये बताया कि आप एक्सेस किस तरीके से आप अंदर किसी चीज़ के अंदर जाकर किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इफ एल्स कंडीशन लगाइए, अगर आपको यहाँ से A1 निकालना हो और निकालना हो, तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग बताई गई है। थैंक यू एंड आई होप दैट यू लाइक अवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ पे आके अपने वहाँ पे ज्वाइन होइए और अपने डाउट्स को आप वहाँ पे रख सकते हैं। विद इन 24 आवर्स हम आपसे टच होने की कोशिश करेंगे और आपके सॉल्यूशंस का, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। थैंक यू।